रसोई की पाठशाला में आज हम बनाएंगे ब्रेड उपमा। ब्रेड उपमा हालांकि बचे हुए एक ब्रेड की ही नई रेसिपी है, जिसको बनाने में काफ़ी आसानी और झटपट तरीके से बन भी जाएंगे। तो चलिए इसे देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं और क्या क्या इसकी सामग्री है। यह ब्रेड उपमा की सब्जी है, जहाँ पर मैंने करीब एक मीडियम साइज़ का कांदा लिया हूँ, जहाँ उसको अच्छी तरीके से मैंने बारीक काट ली हूँ। हरी शिमला मिर्च है, जिसको मैंने उसी तरीके से बारीक ही काटी हूँ। और यहाँ पर दो टमाटर हैं, जिसको मैंने क्यूब शेप में थोड़े बड़े रखे हूँ। और यहाँ पर 100 ग्राम कॉर्नें, जो उबली नहीं कच्ची ही हैं, और कुछ कड़ी पत्ते हैं। और फिर बाद में यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची ली, जिसको अच्छी तरीके से बारीक काट के मैंने कूट ली हूँ। और उसी तरीके से लहसुन और अदरक का भी पेस्ट बना ली हूँ। मैंने यहाँ पर करीब 12 से 15 ब्रेड ली हूँ, जिसको आपको उसको तवे पर सेकने का, एकदम उसको करारा नहीं करने का, जैसे कि टोस्ट की तरह उसको वैसा नहीं करने का, थोड़ा नरम सेक। अब यहाँ मेरे कढ़ाई हो गए हैं गरम, जहाँ पर मैं करीब 1.5 चम्मच बटर डाल रही हूँ। और उसके साथ ही मैं तेल डालूँगी, जो मेरा बटर बिल्कुल पकड़ी नहीं। अगर आप घी यूज़ कर रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन आप जब भी बटर यूज़ करें तो उसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, उससे क्या होगा बटर आपके नहीं पकड़ेंगे। अब इसमें ही मैं सरसों डाल रही हूँ। सरसों इसमें बहुत अच्छा टेस्ट फ्लेवर देगा, और जब ये सरसों चिटकने लग जाए तभी मैं इसको एक बार थोड़ा सा चला दूँगी, जो पकड़े भी नहीं। और फिर बाद में मैं इसमें चना दाल डाल लूँ, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको डालने का है तो डालिए, नहीं तो फिर मत डालिए। लेकिन यहाँ पर चना दाल मैं इसलिए डाल रही हूँ, जो उसको थोड़ा सा टेस्ट अच्छा दे। और अब मैं यहाँ पर डालूँगी हींग। हींग थोड़ा सा हो जाने के बाद मैं अब इसमें डालूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इसको मैं अच्छी तरीके से थोड़ा चला लूँ। कड़ी पत्ता डाल लूँ, कड़ी पत्ता आप शुरुआती में ना डालें, क्योंकि हम छौंक की तैयारी नहीं कर रहे। और कांदे के साथ ही मैं कॉर्न डालूँगी, क्योंकि अगर कांदा हम मतलब सुनहरा कर देंगे तो उस तरीके से क्या होगा, तो कॉर्न जो हमारा है ना, उसमें वो उसको पकने को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप उबला कॉर्न यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको आखिरी में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसी तरीके से हरी मिर्ची भी डाल दी हूँ, जो इसके साथ ही अच्छे से एक फ्लेवर मिल जाए। और फिर बाद में मैं आखिरी में नमक डालूँगी, क्योंकि नमक की सहायता से कॉर्न में से जो पानी निकलेगा और उससे और अच्छा से टेस्ट आएगा। गरम मसाला मैं यहाँ डाल रही हूँ, और फिर बाद में धनिया डालूँगी। गरम मसाला पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप इसमें चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी शिमला मिर्च, जो मैंने जूलियन कट रखी है, क्योंकि ब्रेड में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पर ब्रेड उपमा बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर हम इसमें जूलियन कट रखेंगे। और इस तरीके से मैंने टमाटर डाल दी, और चलाने के बाद मैं इसको ढक दूँगी। ढकने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा खोल के इसमें काजू डालूँगी। आप चाहे तो काजू स्टार्टिंग भी डाल सकते हैं, या तो फिर इसी तरीके से सब्ज़ी पूरा हो जाने के बाद, मतलब जब आधे कच्चे पके हो तभी भी आप उसमें डाल सकते हो, कि काजू बहुत अच्छा फ्लेवर देगा, और जब मुँह पे जाएंगे तो बहुत अच्छा क्रंची उसका टेस्ट आएगा। काजू आप चाहे या तो फिर मुनक्का भी डाल सकती हैं, दोनों में से ये दोनों चीज़ भी ऑप्शनल है, लेकिन आप इसमें से कोई एक तो ड्राई फ्रूट आप ज़रूर डालें, जो उसका टेस्ट आएगा ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फिर बाद में मैं इसमें पानी भी ऐड कर, जो करीब 100 ml है। पानी को मैं इसलिए डाल रही हूँ जो सब्ज़ी अच्छी तरीके से पक जाए, क्योंकि मैंने अभी मसालों को भूनी हूँ। और मसाले को जब भी आप डालें, जैसे कि हल्दी हुई, 2 मिनट के बाद मैं इसको ढक्कन खोल के फिर दोबारा मैं इसको अच्छी तरीके से चलाऊँगी। देखिए कितना पानी इसमें छोड़ दिया, क्योंकि कॉर्न शिमला मिर्च टमाटर की वजह से इसमें जो पानी है वो काफ़ी अच्छे मतलब उभर के आए। और इसी स्टेज में अगर हम ब्रेड डालेंगे तो वो अच्छी तरीके से ब्रेड को सोख भी लेगा, और फिर बाद में उसका जो मसाले जो हम लोग ने बनाए उपमा के, वो बहुत अच्छी तरीके से लग जाएंगे, और उसमें हल्दी के कलर भी लग जाएंगे। आपने नोटिस किया मेरे जो टमाटर है उसमें दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने टमाटर को आखिरी में डाली थी, पहले नहीं डाली थी। जब भी आप कोई पानी वाली सब्ज़ी डाल रहे हैं ना, तो उसको पकने में टाइम नहीं लगेगा, उसको बहुत ही कम टाइम लगने वाला है, तो इसलिए आप उसको आखिरी में ही डालें। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मेरा ब्रेड में कलर भी उसके लग रहे हैं। और यहाँ पर मैंने जो एक ब्रेड, उसको करीब मैंने 9 पीस की हूँ, मतलब क्यूब साइज़ है, मैंने यहाँ पर काटी हूँ। आप एकदम छोटे बारीक या दरदरा एकदम ग्राइंडर मत करिए, क्योंकि इसमें क्यूब शेप में ही बहुत अच्छे लगेंगे। आप देख सकते हैं चला रही हूँ मैं, बहुत उसमें जो मसाले वो ब्रेड पे लग रहे, जैसे सरसों है, फिर बाद में काजू,
बहुत ज़्यादा, उसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं उसको थोड़ी देर के लिए मैं उसको ढक दूँगी, तो उस तरह क्या रहेगा, ब्रेड में अच्छी तरीके से पूरे हमारे मसाले लग जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे ब्रेड उपमा। और फिर बाद में गार्निश करूँगी मैं यहाँ पे धनिया से, और एक और बार मैं इसको चला दूँगी, फिर बाद में धनिया का भी जूस में टेस्ट आ जाए। उम्मीद है आपको बचे हुए ब्रेड की बनी हुई ब्रेड उपमा की रेसिपी काफ़ी पसंद आई होगी। तो बिल्कुल ना भूलें लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट सेशन में बताएं कि आपको ब्रेड उपमा ये रेसिपी कैसी लगी, खाने में भी और बनाने में भी। अभी के लिए।